close till I get up. Time is barely on our side. सो हेलो मेरी फैमिली, तो फिर से आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कुछ इस टाइप का सी बी एडिटिंग। सो आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, फोटो काफ़ी मस्त लग रहा है। एंड गाइस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लो तो गाइस आप लोग को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गाइस इसी वीडियो के अंदर हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है गाइस। एंड हमारा पहले का फोटो देख सकते हो गाइस, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस बिना टाइम वेस्टिंग की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो गाइस अपनी सिंपल सी फोटो करना है गाइस, जिस फोटो का आपको सी बी एडिट करना है अपने लाइट रूम के अंदर शेयर कर देना, ठीक है गाइस। तो ये रहा लाइट रूम, इसके अंदर हम ऐड कर दे, ठीक है गाइस। तो इसके बाद फिर से एक बार दो बार तीन बार करेंगे तब गाइस हमारे लाइट रूम के अंदर जाएगा। तो गाइस सीधा अपने लाइट रूम के अंदर चलते हैं हम। तो गाइस हमारा फोटो जो लाइट रूम के अंदर शेयर हो गया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो। उसके बाद आप लोग गाइस करना है कि इधर स्क्रॉल करते जाना है। एंड गाइस देखिए नीचे आपको लाइट मिलेगा, यहाँ पे गाइस देखिए लाइट दिख रहा है, तो आपको लाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा गाइस एक्सपोजर को बढ़ा देंगे फर्स्ट नंबर को, ठीक है। एंड थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा लेंगे। एंड गाइस थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे। एंड यहाँ से गाइस इसको शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस टाइप से आपको पूरे प्रोसेस करना, ठीक है। उसके बाद हम ब्लैक को माइनस करेंगे एंड वाइट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग गाइस कलर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से गाइस देखिए फर्स्ट में टेम्प है, इसको हल्का सा आगे की ओर बढ़ा लेंगे, ठीक है। 10 तक आप लोग को बढ़ा लेना है। उसके बाद आप लोग को तीसरे नंबर पर वाइब्रेंसर पर लेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस टाइप से 70 तक रख लेते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोग आए देखिए ऊपर मिक्स है, यहाँ पर आप लोग दिखा देगा जी मिक्स लिखा हुआ है, तो आपको मिक्स पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आप लोग गाइस ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे, देखो गाइस ग्रीन टोन है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसका सैचुरेशन पूरा आगे की ओर प्लस कर देंगे, ठीक है। आप लोग गाइस आराम से देखना, ठीक है, कलर टोन को। एंड इसका गाइस ह्यू को आगे की ओर बढ़ा लेंगे, 30 के आसपास रखेंगे, ठीक है गाइस 30 तक रख लेंगे। उसके बाद आप लोग इस कलर पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे एंड इसका गाइस ह्यू को आगे प्लस कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो आप लोग इस टाइप से करना है फ्रेंड। उसके बाद आप लोग गाइस ये वाला कलर पे क्लिक करेंगे एंड इसका गाइस सैचुरेशन को कम कर लेंगे हम, ठीक है, जो हमारा फेस जो वाइट होगा। एंड इसका लेमनेस आगे को बढ़ा लेंगे, तो देख सकते हो हमारा जो फेस जो वाइट हो रहा है, तो आप लोग जितना चाहे फेस को वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना रखते हैं। उसके बाद आप लोग इस कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से गाइस हम टी शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड लिप्स जो हमारा कलर होगा देखो गाइस दिखाते हैं, इधर करें तो गाइस जो हमारे लिप्स कलर नहीं हो रहा है, एंड इधर गाइस करते तो जो हम लिप्स रेड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी रेड कर सकते हो लिप्स को, इतना रखते हैं हम। उसके बाद आप लोग इस कलर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस हम टी शर्ट का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इधर प्लस कर देना ह्यू आगे 100 प्लस कर देना, ठीक है गाइस। एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड इस कलर पर क्लिक करेंगे एंड इसका गाइस ह्यू थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आगे की ओर, जो हमारे जगह गाइस टी शर्ट का कलर पूरा रेड हो रहा है देखो गाइस, एंड इसका सैचुरेशन प्लस कर लेंगे, इतना रख लेते हैं। उसके बाद आप लोग इसका गाइस सैचुरेशन डिक्रीज कर देंगे, इसका भी डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके आप लोग यहाँ से कर लेंगे डन। एंड उसको आप लोग फिर इधर गाइस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसका गाइस टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इतना, एंड क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड हेज को, एंड सबसे गाइस नीचे आएंगे एंड ग्रेन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप लोग गाइस नीचे सेकंड नंबर डिटेल पे क्लिक करेंगे एंड इसका शार्पिंग को बढ़ा लेंगे एंड रेडियस को डिटेल को, एंड सबसे नीचे आएंगे कलर नाइजर को बढ़ा लेंगे एंड डिटेल को 100 प्लस कर देंगे एंड स्मूथ को प्लस कर देंगे 100, ठीक है। एंड उसके आप लोग यहां से फोटो को हम शेयर करेंगे अपने पिक्सआर्ट के अंदर, ठीक है गाइस। तो आप लोग पूरा प्रोसेस देखना, ठीक है गाइस, तभी आप लोग गाइस सी बी एडिटिंग सीख पाओगे एकदम पिक्सआर्ट रियल सी बी एडिटिंग, ठीक है। तो गाइस हमारा फोटो आ गया पिक्सआर्ट के अंदर। उसके बाद आप लोग गाइस करना है क्या, यहाँ देखिए गाइस तीन नंबर पे इफेक्ट है, तो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड आप लोग गाइस इधर आना है एंड आप लोग गाइस जब देखिए आर्टिस्ट है लिखा है, आर्टिस्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आर्टिस्ट लिखा है कलर के बगल में आर्टिस्ट है। उसके बाद आप लोग गाइस देखिए फेटल वन, तो आप लोग को फेटल वन पे क्लिक करेंगे एंड फिर से फेटल वन पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस देखिए नॉर्मल के बगल में मल्टीप्लाई है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको फेड को पूरा माइनस कर देंगे 0, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग ऊपर इरेज वाले पे क्लिक करेंगे, अपने फेस पे से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है गाइस, फेस पे से एंड हैंड पे से, ठीक है, इसको क्योंकि गाइस हमें फेस पे नहीं चाहिए, ठीक है, जो फेटल है हम फेस पे नहीं लेंगे। एंड इस स्टेप से आपको पूरे फेस पे से
गाइस रिमूव कर देना है। एंड गाइस इधर देखिए हैंड है, तो आप लोगों को हैंड पे से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। साइज को छोटा करके हैंड पे से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है गाइस। स्टेप्स आपको इधर भी हैंड है, तो गाइस इधर से भी हम रिमूव कर दे, ठीक है फ्रेंड। तो गाइस हमारा हो गया है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख लेना सही से, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं गाइस डन। तो डन आप लोग गाइस फिर से गाइस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड। एंड उसके बाद आप लोग गाइस जैसे एफएक्स पे क्लिक करेंगे, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करो, ठीक है गाइस, तभी आप लोग को समझ में आएगा। एफएक्स पे क्लिक आप लोग गाइस देखिए फर्स्ट में HDR1 है, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आप लोग को फिर से ऊपर इरेज वाले पे क्लिक करेंगे। एंड देखिए गाइस नीचे इरेज है, तो इस पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस इसका ऑपेसिटी को 50 कर देंगे, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद आप लोग को गाइस यहाँ से फेस पे से रिमूव करेंगे, ठीक है, क्यों गाइस हमें HDR जो है फेस पे 50% चाहिए, ठीक है, आधा चाहिए हमको 100 में से फेस पे, ठीक है। एंड इधर हैंड पे भी से हम रिमूव कर देते, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से गाइस हम कर देंगे डन। तो इतना गाइस को आप लोग को फिर से करना क्या गाइस, फिर से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे गाइस। एंड उसके बाद आप लोग गाइस यहाँ से ब्लर पे क्लिक करेंगे। एंड फर्स्ट में ब्लर पे क्लिक करेंगे, एंड ऊपर गाइस देखिए इरेज वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इरेज पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आप लोग इधर स्क्रॉल करते जाना है। एंड गाइस देखिए ब्लर बैकग्राउंड लिखा है, ठीक है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। एंड थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड आप लोग देखो हमारे जो बैकग्राउंड में ब्लर लग गया, ठीक है, ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ से करेंगे डन। एंड इसके बाद यहाँ से ब्लर आप जितना चाहे रख सकते हो, ठीक है, तो आप लोगों को 10 या 15 रखना है, ठीक है, 10 या 15 रखना है आप लोगों को। तो यहाँ से मैं 10 रखता हूँ। एंड यहाँ से गाइस मैं कर लेता हूँ डन, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइस करना क्या है, फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है, ऊपर इरेज डाउनलोड वाले पे क्लिक करके फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। एंड गाइस इसी फोटो को आपको शेयर करना है अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर, ठीक है गाइस। तो गाइस हम आगे अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर, उसके बाद आप लोग गाइस करना क्या है, ऊपर गाइस देखिए लेयर मिलेगा आपको, लेयर वाले पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस, इस प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से गाइस हम एक ओवरले सेलेक्ट कर लेंगे, गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है ओवरले, तो फ्रेंड आप लोग ओवरले पे क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद आप लोग गाइस यहाँ पे क्लिक करना है, दिखाते इस पर क्लिक करेंगे। एंड इस पर क्लिक आप लोग गाइस ऊपर आना है हल्का सा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस देखिए लिखा हुआ ट्रेडिशनल, तो आप लोग ये वाला मीडियम ब्रश सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड देखिए गाइस इधर लिखा है सेटिंग, ठीक है, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से गाइस साइज को अपने हिसाब से रखना है, ठीक है, छोटा करेंगे। एंड उसके बाद आप लोग गाइस देखिए कलर है, तो आप लोग कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कलर को रख लेंगे हम रेड, जो गाइस लिप्स का कलर होता है। एंड फोटो गाइस करेंगे जूम, एंड अपने नीचे वाले लिप्स पे इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हल्के हल्के से। एंड फोटो गाइस करेंगे जूम आउट। एंड यहाँ से गाइस इसका ऑपेसिटी को हम कर लेंगे कम, ठीक है, इतना रखते हैं। एंड यहाँ से गाइस देखिए लिखा मच, तो आप लोग को मच पे क्लिक कर देना, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोग करना क्या है, फिर से इस वाले पे क्लिक करेंगे। एंड लाइब्रेरी पे, एंड आप लोगों को नीचे आना है गाइस। एंड उसके बाद आप लोग गाइस ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना, ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड। एंड उसके बाद आप लोग को फिर से सेटिंग पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस फॉलो को 4, एंड स्ट्रेंथ को 14 रखना है, एंड साइज को अपने हिसाब से गाइस, ठीक है। एंड फॉलो सॉरी फेस को करेंगे जूम, एंड अपने फेस पे स्टेप से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड गाइस हमारा फेस जो देख सकते हो परफेक्ट तरीके से गाइस स्मूथ हो रहा है, तो आप लोग एकदम से हल्के हल्के से स्मूथ करना है, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से आपको पूरे गाइस फेस पे जो है स्मूथ करना है। एंड जितने भी गाइस पिंपल होगा सब हट जाएगा, ठीक है। एंड जहाँ पे गाइस छोटा है, तो यहाँ पे आपको साइज को यहाँ से छोटा कर लेंगे गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को स्मूथ करना है, ठीक है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे इसको फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे, एंड साइज को छोटा कर लेंगे आप लोग। एंड उसके बाद आप लोग फेस को गाइस स्मूथ करना परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। तो गाइस देख सो हमारे फेस जो एकदम मस्त तरीके से हो रहा है फेस स्मूथ, ठीक है। एंड आप लोग गाइस गर्दन पे भी पूरे कर लेना, ठीक है, साइज को बड़ा करके। एंड एकदम परफेक्ट तरीके से आप लोग जिस राउंड में घुमा हुआ है गर्दन, ठीक है, तो आप लोग उसी राउंड में घुमा घुमा के करना है। एंड परफेक्ट तरीके से बहुत ही मस्त लगेगा, ठीक है गाइस, देख सकते हो। एंड आप लोग गाइस हैंड पे भी नीचे हैंड पे कर लेना, ठीक है, इस टाइप से गाइस, ठीक है। तो गाइस हमारा फेस एंड सब कुछ स्मूथ हो गया, ठीक है।
उसके बाद हम गाइज करेंगे क्या, इस पर क्लिक करेंगे, दिखाते हैं आप लोग गाइज, इस पर क्लिक करना है आप लोग को, यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं ऑल PNG, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग गाइज, देखिए यहाँ पर लिखा इम्पोर्ट इमेज, तो आप लोग इम्पोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे एंड फिर से इस वाले पर क्लिक करेंगे, गैलरी से गाइज कुछ PNG हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज एक ये PNG आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसके यहाँ से हम कर लेंगे डन एंड उसके आप लोग गाइज ऊपर लेयर वाले पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइज इस पे क्लिक करें एंड गाइज देखिए नॉर्मल है ना, तो आप लोग नॉर्मल में क्लिक करके यहाँ से इसको हम कर लेंगे स्किन, ठीक है, स्किन कर लेना आप लोग को एंड इस वाले पे आप लोग को क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे गाइज देखिए लिखा हो ट्रांसफॉर्म, तो आप लोग ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइज इसको हम जहाँ पर लगाना चाहते हैं आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। पहले एक इसका गाइज हम डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइज देखिए लिखा हो डुप्लीकेट, तो आप लोग एक डुप्लीकेट ले लेंगे एक तो और एंड एक को गाइज हम इधर लगाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे एक लगाएंगे, यहाँ से कर लेंगे डन एंड इस पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे एंड इसको गाइज यहाँ से ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसको गाइज एक इधर लगा लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ से कर लेंगे डन एंड फिर से गाइज इस वाले पे क्लिक करेंगे इम्पोर्ट इमेज पे एंड गैलरी से हम एक PNG और ऐड कर लेते, ठीक है। तो गाइज एक ये PNG, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से कर लेंगे डन एंड गाइज इसको भी हम यहाँ से कर लेंगे स्किन, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो लग गया हमारा, इसको ऊपर कर देंगे एंड इसको गाइज यहाँ से साइज को बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इस स्टेप से यहाँ से कर लेंगे डन फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहा है। उसके बाद आप लोग गाइज यहाँ से इधर आप लोग को शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, देखिए गाइज यहाँ पे 3 डॉट है, इधर आप लोग इधर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइज देखिए शेयर लिखा है, आप लोग शेयर पर नीचे ऑर्डर पर क्लिक करेंगे एंड गाइज इस फोटो को आप लोग को शेयर करना अपने टूल बेज एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग नीचे आना इधर, यहाँ पे गाइज देखिए नीचे टूल बेज पर क्लिक करेंगे एंड गाइज देखिए इधर आप लोग स्क्रॉल करते जाना है एंड गाइज देखिए इधर लिखा हुआ इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड सॉफ्ट स्मूथ लिखा है गाइज, देखिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ लिखा, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है एंड आप लोग इधर आप लोग को 4 नंबर पर क्लिक करेंगे एंड उसके आप लोग गाइज देखिए 4 नंबर ठीक ऊपर लिखा है मार्क्स, तो आप लोग को मार्क्स पर क्लिक करना है एंड गाइज यहाँ से हम फेस पे से रिमूव कर देंगे, ठीक है, इरेज कर देंगे यहाँ से, आप लोग सिर्फ फेस पे से रिमूव करना है एंड यहाँ से PNG पर से रिमूव कर देंगे एंड यहाँ से कर लेंगे हम डन, ठीक है। एंड काफ़ी मस्त लग रहा है, देख सो हमारा फोटो एंड एकदम से गाइज टी शर्ट ऑयल पेंटिंग एंड गाइज हेयर भी एंड ऊपर गाइज देखिए ऊपर इस वाले पे क्लिक करके हम फोटो गाइज कर लेंगे हम सेव। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना एंड आप लोग चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।